एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम हेयर विद द न्यू टॉपिक सो लेट्स बिगन आज का हमारा टॉपिक है न्यूएल्स अप्रोच जैसा कि मैंने बताया था कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ बनाऊँगी टॉपिक वाइज और जब वो क्वेश्चन पेपर कम्प्लीट हो जाएगा देन न, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर चूज करूँगी फिर उसमें जो क्वेश्चन नहीं आ, कम्प्लीट हुए होंगे उसको फिर मैं कंटिन्यू रखूँगी यही प्रोसेस अब चलेगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ गए हैं और आपके टॉपिक भी प्रिपेयर हो जाएंगे तो ये जो नॉवल्स अप्रोच है ये एम पी सी ज़ीरो ज़ीरो वन का टॉपिक है ब्लॉक फोर यूनिट थ्री का टॉपिक है जिसमें प्रॉब्लम थियोरटिकल अप्रोचेस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग है इस चैप्टर का नाम अगर आपको बुक में देखना होगा तो आप बुक में देख लेना मैं जो भी एक्सप्लेन करती हूँ वो बुक्स के ही लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ जिससे आपको ईज़िली समझ में आ जाए और बाद में अगर रिविज़न के लिए या रीडिंग के लिए आप बुक यूज़ करते हैं तो आपको वो टॉपिक जो है वो समझ में आए तो चलिए ये टॉपिक हम शुरू करते हैं साइमन ने इस पैरल बेसिक आइडियाज़ को यूज़ किया और उन्होंने जो ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है उस पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की दे सजेस्ट डेट द ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉब्लम कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज उन्होंने बताया कि अ सेट ऑफ स्टेट्स मतलब बिगनिंग फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट यहाँ से आपने इनिशियल स्टेट से बिगनिंग की इन्वॉल्विंग मैनी इंटरमीडिएट इस्टेट्स मीन्स कि फिर आप जब इसको एंटर करेंगे इसके अंदर तो बहुत सारे इस मेज के थ्रू आप बहुत सारे पाथ्स के थ्रू गुजरेंगे एंड विद अ गोल स्टेट तो जो लास्ट होगा कैरेक्टरस्टिक्स होगी कि आप फाइनली जब गुजरने के बाद फाइनली आप एक रास्ता मिलेगा आपको और आप अपने सेंटर पॉइंट तक मीन्स अपने गोल तक पहुँच जाएंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताई और ये भी इंडिविजुअल एग्जाम्स में आ चुका है तो आप इसको ध्यान रखिएगा जब प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूनिट मैं कवर कर रही थी तो उसमें था टर्म्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप देख लीजिएगा जिसमें हमने औरिजिनल और इनिशियल स्टेज डिस्कस किया था और फिर उसके बाद गोल और एंड स्टेट पर्सन या ऑपरेटर और प्रॉब्लम स्पेस उसी के उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है तो जो एप्लीके एप्लीकेशन ऑफ दीज ऑपरेटर्स मतलब जो ऑपरेटर्स है मेज़ के में एंटर करता है टर्न लेफ्ट गो स्टेट इट्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिजल्ट इन मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाने के लिए वो मूव करता है इन uh, सभी स्टेट में वो सेवरल डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो सेवरल डिफरेंट स्टेट में क्या करता है टर्न लेता है और अपने जो अल्टरनेटिव स्टेट्स हैं उसको जनरेट करता है इस होल स्पेस में पॉसिबल uh, स्टेट जो होते हैं उसके थ्रू वो अपने गोल स्टेट तक पहुंचता है द प्रॉब्लम स्पेस डिस्क्राइब द एब्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉब्लम ये जो भी प्रॉब्लम स्पेस हमने डिस्कस किया है ये डिस्क्राइब करता है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रॉब्लम मतलब कि जो आपको एग्जैक्ट वन वे मिल गया है जिससे आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं वो स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन करता है समरी ऑफ द प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथीसिस हम किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में लार्ज नंबर पर अल्टरनेटिव पाथ्स को सोचते हैं इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए ये जो टोटल सेट होता है पाथ्स का या स्टेट्स का ये जनरेट करता है लीगल ऑपरेटर्स इसको हम क्या बोलते हैं बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है ये पीपी लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर के लिए प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज को यूज़ करते हैं अप्लीके अप्लाई अप्लाई करते हैं मेंटल ऑपरेटर्स के लिए और इनिशियल स्टेट्स में अपनी नॉलेज को लेकर वो गोल स्टेट तक पहुँचे हैं जब हमने टाइपोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था तो वहाँ पे हानोई के दिए हुए टावर के बारे में हमने डिस्कस किया था जिसमें ये करना था कि जो डाइसिस के प्लेसेस हैं यहाँ पर दो दिए थे इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट जिसमें ये जो डाइस्क था ये सेम स्ट्रक्चर में कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है फिर कौन सा एक बिल्कुल छोटा है उसी शेप में यहाँ पे इसको कंप्लीट करना था ये टास्क इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट में मतलब सी सेक्शन में डालना था तो ये जो प्रॉब ये जो प्रॉब्लम दी गई थी ये नॉलेज पे बेस्ड थी और इसी के थ्रू लीगल ऑपरेटर्स क्या हुए थे जनरेट हुए थे मेंटल ऑपरेटर्स जो है जो भी रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं जैसे ये दिया गया था उस टावर uh, में टावर ऑफ हनोई में ये रूल्स दिए गए थे कि रूल्स ऑफ द गेम आर दैट ओनली वन एंड द टॉप डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम एंड द बिगर डिस्क कैन नॉट बी प्लेस्ड ओवर द सिमिलर वन तो इसके जो रिस्ट्रिक्शन हैं उसको डिसअलाउ करके आप कंडीशन को होल्ड भी कर सकते तो ये जो भी uh, आप प्रोसेस करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसके लिए आप अपनी नॉलेज को यूज़ कर सकते करते हैं और वेरियस ह्यूरिस्टिक मेथड्स को लाइक मीन्स एंड एनालिसिस इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इसी के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम स्पेस को आप सर्च कर सकते हो और इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक अपने पाथ्स को पाथ को फाइंड कर सक इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने का जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया है ये कॉग्नेटिव सिस्टम के अंडर में आता है ये वर्किंग मेमोरी के अंडर लिमिटेशंस में आता है और ये प्रोसेस जो है इन्फॉर्मेशन ये टोटल डिपेंड करता है इस uh, प्रोसेस के स्पीड uh, पर उसी तरीके से इंफॉर्मेशन क्या होती है स्टोर uh, होती है रिट्राइव्ड होके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है नेवल अप्रोच ये बताता है कि ये बेस्ड है प्रॉब्लम स्पेस हाइपोथेसिस पे अभी जो हमने डिस्कस किया है और ये नॉलेज लेवल पे डिपेंड करता है बिहेवियर पर आप जिस तरीके का एक्शन लेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसी अगर आप मेज के थ्रू लेंगे डिफरेंट पाथ्स के थ्रू तो आपको डिफरेंट पाथ्स मिलेंगे आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपके गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए आपके उस एक्शन पे डिपेंड करता है आपका गोल बट आप क्या करते हैं अचीव सर्टेन गोल्स आप अपने गोल्स को अचीव कर जाते हैं तो ये सारा जो सेंस है नॉलेज पे ही डिपेंड करता है और आपके रिसोर्स रिसोर्स ऑफ बिहेवियर जो आपके बिहेवियर को भी एक क्या करते हैं रिसोर्स मानते हैं तो जो गोल प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको पाने के लिए पॉसिबल एक्शन अगर लिया जाए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो ये था टॉपिक नेवल्स अप्रोच आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग